Hello dear student, this is Rohit Srivastava and today we will discuss coordinate geometry and in that we will discuss various center in coordinate geometry. इसमें हम अलग अलग तरीके के center find out करेंगे with help of coordinate geometry. ठीक है, तो सबसे पहला हमारा होता था, हम लोगों को पढ़ाया गया था centroid. Centroid में हम लोगों को बताया गया था कि if we have a triangle and we have three vertices like x1 y1 x2 y2 and x3 y3, so when three median intersecting point, median will intersect at a certain point, to usse jo point find out hota hai, that point is called centroid. तो अगर हम लोगों को सेंट्रॉइड पता करना है तो इसके लिए तुम लोगों ने अपने समय में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, याद कर लो एक बार फिर से. x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3. एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर डिफरेंट सेंटर पर वीडियो बना दीजिएगा, तो उसी के लिए ये पहला हमारा है सेंट्रॉइड. एनडीए के एग्ज़ाम में एक साथ तीनों भी पूछे आते हैं और तीन चार सेंटर मैं बताऊँगा ये पेपर में कम से कम. ठीक है, आपके पास में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन के लिए आएगा एनडीए एग्जाम में, एनडीए. ठीक है, तो अगला एक तो ये हो गया, सेंट्रॉइड हो गया. सेंट्रॉइड के बाद नंबर टू पे चलते हैं हम लोग. नंबर टू में हमारे पास में है इन सेंटर ऑफ द सर्कल, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल. इसमें क्या रहेगा कि जैसे आपके पास में एक ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में अगर आप लोग जो है क्या करेंगे कि एक बार आपने इंटीरियर एंगल इसका बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल इसका बाइसेक्टर मिलाया, इसको यहाँ पे डाला, इससे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ऐसे करके आप जो सर्कल बनाते हो, इस सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं. तो इन सर्कल के ही सेंटर को हम लोग इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर. सेंटर तो अगर इन सेंटर फाइंड आउट करना हो तो ऊपर ही वाले फिगर की तरह अगर हमारे पास में जैसे कि x1 y1 x2 y3 जैसे दिया रहेगा, तो इसका वैसे तो फॉर्मूला भी है ना, फॉर्मूला मैं एक बार क्लियर करा दे रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन कि हम लोग अभी जब इसके बाद एक्सप्लेनेशन फाइनल पे जाएंगे तो हम बिना फॉर्मूला के करेंगे. ठीक है, तो इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा ax1 + bx2 + cx3 / a + b + c. जहाँ मैं आप लोग बता दूँ कि अगर हमारे पास में ए वर्टेक्स ये है और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो इसके सामने की साइड का लेंथ ए है. अगर ये बी वर्टेक्स है तो इसके सामने की साइड का लेंथ बी है, और अगर ये सी वर्टेक्स है तो ये सी लेंथ की साइड है. तो ये जो ए बी सी हैं ये साइड की डायमेंशन है, और x1 x2 x3 ये जो हैं वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं. ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3. ठीक है, तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, अभी मैं आप लोगों को इससे सिंपल मेथड बताता हूँ विदाउट यूज़ ऑफ दिस फॉर्मूला. बट आज हम लोग क्योंकि फॉर्मूलों पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, तो जैसे ये हमारे पास में ये हो गया फार्मूला एक्स निकालने का, सेम एक्स की जगह पे वाई पुट कर दीजिएगा तो इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा. ठीक है, इन सेंटर के बाद हम लोग आ जाएँ सेकेंड वाले पर, थर्ड टॉपिक पर, सर्कम सेंटर. अगर ट्राइंगल में आप लोग साइडों का बाइसेक्टर करते हैं तो जहाँ पे दे विल इंटरसेक्ट टुगेदर और उससे वर्टेक्स लेकर रोटेट करते हैं, तो दैट सर्कल इज़ कॉल्ड सर्कम सर्कल. तो व्हेन इट इज़ सर्कम सर्कल, तो इस सर्कम सर्कल का सेंटर विल बी ट्रीटेड एज अ सर्कम सेंटर. इसका फॉर्मूले की बात अगर हम लोग करें, है ना, तो फॉर्मूला इग्नोर करते हुए मैं आपको सीधा फंडा बताता हूँ. x1 y1 x2 y2 and x3 y3, आप लोगों को तीन वर्टेक्स दिए रहेंगे. आप क्या करिएगा, व्हेन ही विल आस्क यू दैट कि व्हाट इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो इट इज़ गिवन इन 4 ऑप्शन. तो अगर सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट ओ ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको नहीं लगता कि अगर इट इज़ ए, इट इज़ बी, इट इज़ सी, तो ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी होगा. तो आप क्या करिएगा, एक ऑप्शन पिक कर लीजिएगा, उससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा. अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो दैट पॉइंट विल बी राइट आंसर. ठीक है, तो इस तरह से फाइंड आउट करिएगा आप लोग सर्कम सेंटर. ओके, फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ हमारे पास चलेगा ऑर्थो सेंटर का ऐसा रहेगा कि आपके पास में पहले ऑर्थो सेंटर क्लियर कर लो आप लोग. ट्राइंगल रहेगा, ट्राइंगल में यहाँ से अगर अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, तो दैट अल्टीट्यूड, एक यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें,
तो दीज टू अल्टीट्यूड इंटरसेक्शन पॉइंट ये यहाँ मिलेगा, इसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो विदाउट यूज़ ऑफ फॉर्मूला करूँगा, लेकिन अभी आप लोगों को फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, तो ज़रा देखो, काफ़ी टिपिकल फॉर्मूला है। अगर इट इज़ ए, इट इज़ अगेन बी सी, और मौके पर ये एक्स वन वाई वन हो गया एंड ये एक्स टू वाई टू हो गया, ठीक है, और ये एक्स थ्री वाई थ्री हो गया। तो आप लोग देखो, अगर ये कोऑर्डिनेट पता करना हो तो बड़ा लेंदी फॉर्मूला है, एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू टेन बी प्लस एक्स थ्री टेन सी, समझ गए आप लोग। पहले तो टेन ए टेन बी टेन सी निकालने में आधे घंटे लग जाएगा, तो आपसे तो आता जाता क्वेश्चन ही छूट जाएगा। तो अभी हम लोग जो है इससे और जल्दी करने का थोड़ा सा देखेंगे, पहले तो आप लोग फॉर्मूला क्लियर कर लो। ये फॉर्मूला है x निकालने का, इसका x, और अगर y निकालना हो तो एक वाई टू वाई वन टेन ए प्लस वाई टू टेन बी प्लस वाई थ्री टेन सी और अपॉन में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, ठीक है। मेरी बातों मत फंसो तुम लोग, ठीक है। ये तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर दूँ, अदरवाइज़ कुछ हमारे शार्प माइंडेड स्टूडेंट होते हैं तो दे आर विलिंग टू लर्न द फॉर्मूला, तो फॉर देम दिस इज़ द फॉर्मूला, ओके। देन वी विल गो फॉर द फिफ्थ, फिफ्थ इज़, अच्छा नाम भी बता देता हूँ, हिंदी में इसको ऑर्थो सेंटर को लंब केंद्र बोलते हैं, लंब केंद्र, जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त, ये जो लिखा हुआ है, एंड इसके नीचे ये जो है ये है परिकेंद्र, जो हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। और अब फिफ्थ पे आ गया हूँ मैं, ये तो आप लोगों ने अपने समय में पढ़ा ही नहीं होगा, तो एक्स सेंटर की बात कर रहा हूँ, एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर का मतलब ये हो गया कि दे विल गिव यू द ट्राइंगल इफ़ यू विल एक्सटेंड एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर इफ़ यू विल डू, तो दिस पॉइंट दे विल फॉर्म अ सर्कल, दिस सर्कल इज कॉल्ड एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल, और वेन इट इज़ एस्क्राइब्ड सर्कल तो इट सेंटर विल बी कॉल्ड, बाहर है ना तो एक्सटीरियर सर्कल भी बोला था, एक्सा सर्कल भी बोला था, तो इसका सेंटर विल बी ट्रीटेड एज एक्स सेंटर। तो इसमें कुछ ऐसा है कि लेट सपोज अगर याली साइड ए है और ए साइड पे फॉर्म हुआ है, तो इसका एक्स निकालने का रहेगा माइनस ए एक्स वन, वही जो पीछे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, नहीं बताया था पीछे, तो उसी में बस यहाँ ए की जगह पर माइनस लग जाएगा। वाई निकालने के लिए भी वही रहेगा, माइनस ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, में ए की जगह पर यू हैव टू पुट माइनस। अच्छा, ए बी सी आर द डायमेंशन ऑफ साइड, ये एक्स वन वाई वन, लेट सपोज ये एक्स टू वाई टू दिया रहेगा, एक्स वन वाई वन दिया रहेगा, अगर मैंने इसका नाम ए लिखा है तो इसके सामने एक साइड ए रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स सर्कल, यानी बहिर है ना केंद्र, बहिर केंद्र, ठीक, ये हो गया हमारे पास। तो एक बार फार्मूला एक्सा सेंटर का देख लेना, एक ये एक्स की वैल्यू रहेगी, एक ये वाई की वैल्यू रहेगी, ठीक है, तो इसको जूम करके पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आओ हम लोग फटाफट है ना तीन क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन में मैं पीछे वाले एक भी फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट से करेंगे, कैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वो तो बताने के लिए मैंने एक्सप्लेन करने के लिए रखा था तुम लोगों को। तो ट्राइंगल हैव अ वर्टेक्स ए बी एंड सी, दे आर आस्किंग व्हाट इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ए बी सी। तो दिमाग लगाओ, अगर किसी ट्राइंगल का किसी ने सर्कम सर्कल का सेंटर वाला पूछा है, तो तुमको नहीं लगता कि जैसे ये वाला पॉइंट यही तो सर्कम सेंटर है, तो ये तो नीचे चार ऑप्शन में गिवन है ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक एक ऑप्शन पिक करके उसकी इससे 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 डिस्टेंस निकालेंगे, जिससे बराबर आ जाएगी, वही टिक मार करके आगे बढ़ चला जाएगा, ठीक है। तो ये है माइनस टू कॉमा थ्री, ये है टू कॉमा वन, और ये है वन कॉमा टू। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर माइनस टू कॉमा माइनस टू लिया, ठीक है, तो माइनस टू टू से इसकी दूरी निकालोगे तो ये में से ये गया ज़ीरो, ये में से ये गया तो माइनस फाइव, यानी ये हो गया माइनस फाइव का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, यानी फाइव आ गया, ठीक। फिर इसी से इससे हम लोगों ने इसकी दूरी निकाली तो माइनस टू से टू गया जीरो, माइनस टू से वन गया तो थ्री हो गया, ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ठीक है, फाइव डज नॉट इक्वल्स टू थ्री। फिर अगर टू कॉमा टू ले लेते हैं तो टू में से टू गया फोर और टू में से थ्री गया एक, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू में से टू गया, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं इससे इसकी, एक एक करके ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, अब ऑप्शन बी मैंने पिक किया, तो टू में से टू गया फोर का स्क्वायर एंड प्लस टू में से थ्री गया वन का स्क्वायर, एंड देन अगला करते हैं तो टू में से टू गया जीरो और टू में से वन गया वन का स्क्वायर, ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब ये वाला पिक करके देख लिया जाए हम लोग, ठीक है, ए ये वाला,
तो माइनस टू में से टू गया जीरो हो गया, एंड टू में से थ्री गया वन हो गया, ये तो निकली डिस्टेंस वन। अब इसी से इसकी डिस्टेंस निकाल गया, माइनस टू में से टू गया फोर का स्क्वायर, एंड टू में से वन गया वन का स्क्वायर, लो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अब चेक करने की जरूरत है ना, ऑप्शन डी राइट बोलकर टिक मार करके आगे बढ़ जाओ, डिस्टेंस तो बराबर आएगी आएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था इसका। दूसरा क्वेश्चन, दे आर आस्किंग सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। सेंट्रॉइड तो वही था, तीनों कोऑर्डिनेट का सम अपॉन थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो और प्लस वन अपॉन थ्री, तो एक तो वन अपॉन थ्री होगा। ठीक है, कॉमा दूसरा वाला टू वन थ्री थ्री सिक्स, सिक्स अपॉन थ्री टू हो जाएगा, तो जिसमें ये वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। लो सेंट्रॉइड पता चल गया हमारा। ठीक है, सेंट्रॉइड के बाद में इन्होंने एकदम नया क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, क्लियर करिएगा थोड़ा सा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ऐसा रहेगा कि सीखो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया था, ट्राइंगल में ये दिया है माइनस टू कॉमा थ्री, और ये दिया है टू कॉमा वन, और ये दिया हुआ है तुम्हारा वन कॉमा टू। ठीक है, तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी हो गया। अगर ए से एफ ओ पी यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ये हम लोगों से पूछेगा, तो कॉमन सेंस लगाओ, ये नीचे चार ऑप्शन में भी तो दिया रहेगा, तो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, एक तुम्हारा दिया है वन कॉमा फोर ए ऑप्शन, एक तुम्हारा दिया है माइनस वन कॉमा थ्री बी ऑप्शन, एंड एक तुम्हारा दिया हुआ है माइनस टू कॉमा फोर सी ऑप्शन, और एक तुम्हारा दिया हुआ है माइनस वन कॉमा फोर डी ऑप्शन। अब सुनो, जैसे हमारे पास में इस क्वेश्चन में ये करना है, कि अब जरा सा आते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमें ऑप्शन में दिए ही दिए हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ यार, है ना, इसका अगर स्लोप निकालोगे तो एम वन हो जाएगा, इसका स्लोप निकालोगे तो एम टू हो जाएगा। तुमको पता है एम वन एम टू इज़ इक्वल्स टू माइनस वन होता है, याद आया। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोगों ने इसके पॉइंट एज्यूम कर लिए एच कॉमा के, तो वर्ट इस लाइन का स्लोप हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी के माइनस थ्री और अपॉन तुम्हारा दूसरा कोऑर्डिनेट जाएगा एच माइनस प्लस टू हो जाएगा, एच प्लस टू ये आ गया एम वन तुम्हारा, दूसरा एम टू तुम्हारा आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, वन में से टू गया माइनस वन, और एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि टू में से वन गया वन हो गया, और इज इक्वल्स टू में तुम्हारा माइनस वन प्रिंटेड है। अब तुम कुछ मत करो, एच के की जगह पर एक एक करके ऑप्शन रखना शुरू कर दो, जिस ऑप्शन पर तुम्हारा ये एल एच एस आर एच एस के बराबर आ जाए वहीं टिक मार्क कर दिया जाएगा। तो मैं जो है थोड़ा सा एक बार है ना ऐसे ही तुक्का लगा के चेक करा दे रहा हूँ, जैसे मैंने डी ऑप्शन रखा तो माइनस वन एच ये रहेगा, के ये रहेगा, तो के की जगह रखा फोर, फोर में से थ्री गया वन, एंड एच प्लस टू यानी कि माइनस वन प्लस टू तुम्हारा हो जाएगा प्लस का वन इन टू, ये हो गया माइनस वन और इज इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, लो आ गया। जब तुम्हारा इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के इज इक्वल्स टू माइनस वन आ गया, तो इसका मतलब कि ये तुम्हारा हो गया है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक क्वेश्चन ऑर्थो सेंटर का मैं अपनी तरफ से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूले से नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे निकालता है देखेंगे। तो ऐसे ट्राइंगल रहेगा, वन कॉमा टू दिया रहेगा, थ्री कॉमा फोर दिया रहेगा, फाइव कॉमा सिक्स दिया रहेगा, है ना, और दे विल आस्क यू दैट कि ऑर्थो सेंटर क्या होगा, यानी ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर रहेगा हम लोगों का। तो मेरे कहने पर आप लोग एच कॉमा के एज्यूम कर लीजिएगा। आप देखिए ये वर्टिकल लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट एम वन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वन होगा। तो आप लोग क्या करिए कि इसके कोऑर्डिनेट, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने एच कॉमा के एज्यूम किए हैं, तो इसका स्लोप क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी के माइनस टू अपॉन एच माइनस वन, और इसका स्लोप हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन फोर माइनस सिक्स अपॉन थ्री माइनस फाइव, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वन पुट कर दिया जाएगा। अब नीचे चार ऑप्शन दिए रहेंगे, हर ऑप्शन में एच के की वैल्यू दी रहेगी, तो उठा उठा कर एक ऑप्शन को इसमें पुट करते चलिएगा, जिससे आपका ये एल एच एस आर एच एस यानी माइनस वन के इक्वल आ जाए, क्योंकि एल एच एस आर एच एस मैथ में इक्वल होता है, बस वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, आज हम लोगों ने करीब फाइव सेंटर का क्लियर किया है। तो एनडीए के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और
देखिएगा, खुद भी देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।